हे गाइस, तो क्या हाल चाल है यार। अग्रे वाइस, ये जो वीडियो है ना, इसे शुरू करने से पहले मैं एक अच्छा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। गाइस, आज मेरा बर्थडे है, तो आज मैं 5 बैड लाइन केप का गिवावे करने वाला हूँ। तो गाइस कमेंट करो फटाफट करके, एंड गाइस आपके भाई को विश करना मत बोलना यार, प्लीज यार, आपके भाई बहुत मेहनत करते। तो आज बर्थडे का दिन भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात 12 बजे तक रिकॉर्ड किया। तो ठीक है, कोई ना यार, आप लोगों के लिए कुछ भी मेरा भाई दाव पे लगा दूंगा मैं, कोई ना। तो गाइस देखो, बेसिकली ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारे टाइम लगे, क्योंकि मैं लिटरली 12 घंटे रिकॉर्ड किया है वीडियो को, मतलब दिन में 12 घंटे रिकॉर्ड किया, तो इतना जल्दी इसलिए आ पाया। तो देखो, फर्स्ट डे इधर क्या हुआ कि जितने सारे मेरा मिनियंस थे कलेक्ट किया, फिर मैंने उसको जाके बाजार में सेल किया। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि गाइस देखो, इतना मेहनत आपके भाई करते हैं ना, देखो सपोर्ट तो मांगता है मेरे को, मुझे नहीं पता। तो इधर क्या हुआ ना, बाकी जितने सारे क्ले थे मैंने क्ले को बायोडोर में डाला, क्योंकि मुझे मिनियन अपग्रेड करने थे। तो जितना ज़्यादा हो सके मैंने मिनियन को अपग्रेड किया, क्योंकि यार ये मेरे प्यारे लाले दुलारे मिनियंस थे। तो ओके, मिनियन को गाइस प्यार करना चाहिए, नहीं तो ना मिनियन थप्पड़ मारेंगे, बोलेंगे ओए हम लोग तुम्हारे लिए एप के काम करते यार, कुछ तो इज्जत तुमको। फिर गाइस पैसा हो गया था खत्म, तो इसके चक्कर में मैंने आ चुका था एंड में। एंड में आते मैंने लगा कि यार इधर जितने सारे एंड जेलॉर्ड्स है ना, इनका प्रसाद ही मैं गायब कर दूंगा। बट क्या हुआ कि इधर प्रजाति तो गायब हुआ नहीं है, और इधर मैं लगातार 2 दिन ऐसे ही ऐसे मारा मारी कर करके मेरा कॉम्बैट लेवल 20 हो चुका था। मैंने बोला ओहो मजा आ गया आज तो। बट कोई ना यार, मुझे सिर्फ वहाँ से क्रिस्टल फ्रैगमेंट मिला एंड समोनिंग आई नामक प्रजाति में कुछ नहीं मिला, तो लाइव सेट था। बट कोई ना, हम लोगों ने फिर से गया थोड़ा सा फ्लिपिंग करने, यस बजर फ्लिप। तो इसी चक्कर में मैं थोड़ा सा सैंड माइन कर रहा था। आपको पता आपके भाई कौन सा फ्लिप करते हैं, वो है एक ग्रैंड एक्सी बोतल, जो गाइस इतने सारे पैसा देते ग्रैंड एक्सी बोतल, गाइस बताओ मत। तो वही चक्कर में मैं वो इंचेंटेड लैपिस बाय ऑर्डर पे लगा रहा था, बना रहा था, सेल कर रहा था। तो ऐसे चक्कर में काम चल गया। लेकिन इधर हुआ क्या ना, मेरे से बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ है, तो मैं आने वाले टाइम पे बताऊंगा। तो इधर मैंने लगातार ग्रैंड एक्सी बोतल बनाए, फिर इसको सेल किए, फिर वही मैं मतलब जो प्रोसेस मैं रिपीट करते गया। तो बैंक में फिलहाल मेरे पास पैसा आ चुका था अच्छा खासा। तो मैंने चलो अभी जो जितने सारे पैसे हैं सब उठा के बिल्डर वन खरीदते, क्योंकि बिल्डर वन से ना गाइज अभी हमको ना मेरा आइलैंड को ये क्या हो गया आइलैंड को बड़ा करना था। तो गाइज मैं आइलैंड को बड़ा करने में लग चुका था, तो मुझे लिटरली आइडिया नहीं था कि करना क्या है। और गाइस बीच बीच में ना यदि थोड़ा लैग हो रहा था, क्योंकि आइलैंड का इशू हो रहा था, तो मुझे नहीं पता क्या था। तो फाइनली हमारा आइलैंड कुछ ऐसा दिख रहा था पूरा फिल करने के बाद। ओए इतना छोटा सा छूट गया इधर, यार ये छूटना नहीं चाहिए, मेरे आइलैंड में गड्ढा नहीं होना चाहिए, तो इसको पहले बंद करो। ओके तो हमने इसको बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद क्या हुआ कि मुझे अभी लगा कि इधर ना ग्रास का कमी है, मुझे फील नहीं आ रहा था आइलैंड में। तो बिल्डर ऑन को मैंने सेल किया, क्योंकि गाइस बिल्डर ऑन वन टाइम यूजर्स है, तो कोई काम का नहीं है, तो इसलिए मैंने बिल्डर को सेल कर दिया। सेल करने के बाद मुझे ना 100K लेना था, मैंने 100 मिलियन लिख दिया। मैंने बोला औकात में रहो भैया, औकात। ओके फिर गाइस इधर मैंने आके आइलैंड पे ग्रास ब्लॉक लगा दिया पूरा एरिया पे, जितना ज़्यादा हो सके मेरे से। तो मैंने वैसे करके ग्रास ब्लॉक लगाते गया मेरे आइलैंड के चारों तरफ। फिर कुछ ऐसा दिख रहा था अजीबो गरीब, बट मैंने सोचा चलो इतना तो काफ़ी है, अभी 1-2 दिन एप के करेंगे तो हो जाएगा। तो मैं अभी जंगल के ऊपर काम कर रहा था, मुझे छोटा सा जंगल चाहिए था आइलैंड के साइड में। तो मैंने बोला चलो जंगल बना ही लेते हैं यार, जंगल में हम लोग शेर पालेंगे, इधर शेर होता नहीं है फिर भी हम पालेंगे। तो शेर पालते पालते मुझे दिमाग में ख्याल आया कि जंगल पेड़ भी चाहिए यार, पैरट भी चाहिए मुझे। तो यही करते करते हमारा दिमाग का दही हो गया। तो कुछ टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा ग्रास इधर उखड़ रहा, मतलब आजू बाजू स्प्रेड हो रहा था। मैंने बोला सही है, तो ऐसे करके मैंने पूरा जंगल बंगल जो सैपली कुछ कुछ उग नहीं रहा था, इनको फिर से मैंने हटा के रिप्लांट किया, फिर बोन मिल यूज़ किया। थोड़ा सा ऐसे ही टाइम में कटता गया, क्योंकि ना बहुत ही पेचीदा था या जंगल बनाना, और ये जो ग्रास था मुझे ग्रास अभी तक आ नहीं रहा था, बहुत टाइम लग रहा था ग्रास स्प्रेड होने में। तो आइलैंड पे मुझे करना था एपके, तो एपके करते करते ना गाइस इधर मैंने थोड़ा सा मिनियन सेटअप भी बना लिया। यस जो मिनियन हम लोग बेस के सामने थे, तो मैंने वहाँ से हटा के ना इनके लिए एक छोटा सा घर, नन्ना मुन्ना सा जगह बना दिए, जहाँ पे लोग अपना काम कर सकते। तो फाइनली मिनियन का घर रेडी थे, और मैंने सोचा चलो यार अभी तो कुछ अच्छा काम हम लोग करेंगे लाइफ में। बट इधर मिनियन का घर देख के ना मुझे लगा अरे यार कुछ तो इधर इसमें कुछ तो कमी है। फिर मुझे एहसास हुआ कि इसमें सुपर कॉम्पैक्टर का कमी है। ओके तो इसमें ना पूरा का पूरा मेरा ध्यान चला गया था सुपर कॉम्पैक्टर वगैरह खरीदने में। तो फिर से मैं फ्लिपिंग पर आ चुका था, यस हम लोग हमारा वही आ चुके थे फ्लिप करने बाजार। तो बाजार फ्लिप करने के चक्कर में इतने सारे ग्रैंड एक्सी बोतल बना लिए, तो 6.2 मिलियन का हम लोगों ने इधर सेल किए। तो गाइस लिटरली बता रहा हूँ, ये सेल करने में 2 दिन चला गया,
क्योंकि रात को मैं रिकॉर्ड कर रहा था 12 बजे के करीब वीडियो, तो वहाँ पे हुआ क्या है ना, अब वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था वो करने के लिए, तो मैंने सोचा ठीक है चलो कोई ना, धीरे धीरे बेचते तो बेचते बेचते पैसा वापस आ चुके थे 6.2 मिलियन, तो मैंने इसको बैंक में सीधा रख दिए। फिर इधर मुझे ना मिलन्स एंड पम्पकिन का कलेक्शन अनलॉक करना था, जो मैंने भूल गया था कलेक्शन अनलॉक करने के लिए, तो वही काम पर मैं जुड़ गया क्योंकि इसमें हमको ग्राइंड करना, तो अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है, तो वही चक्कर में मैं पूरा एरिया पे पम्पकिन शुगर नॉट शुगर के पम्पकिन और मिलन फार्म कर रहा था। फिर मिनियन का टाइम था तो मिनियन वगैरह बनाया मैंने, क्योंकि मिनियन में इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि मुझे बहुत से मिनियन स्लॉट चाहिए था। तो इधर क्या था ना, मुझे डंजन खेला था, मैंने सोचा इतने तो कुछ कर लिए ना, डंजन खेल के आते थोड़ा सा, तो बीच बीच में हम लोग 2-3 बार डंजन में घुस गए थे क्योंकि मुझे मजा आता था। और ये जो ट्रैप रूम था ना, मैंने सोचा भाई भागो, तो इसको मैं सीधा स्किप करके भाग गया मैं इधर से। तो इधर बॉस रूम पे हम लोग बॉस के साथ मारामारी करके इधर मुझे 800K का प्रॉफिट हुआ ऑब्सीडियन चेस्ट फर्स्ट रन में, तो मैंने बोला ओ हो भाई भगवान मेरे को देख लिया अभी। तो ऐसे कर करके तो हम लोगों ने चेस्ट वगैरह लूटे, फिर कुछ और भी डंजन हम लोग खेले, बट इतना लूट मेरे को अच्छा मतलब मिला नहीं। फिर मुझे माइनिंग करना था, तो माइनिंग करते करते इधर फाइनली मैं माइनिंग लेवल भी अप हो चुका था, एंड उसके साथ था हॉट टीम टीयर 2 भी हो चुका था, मैंने बोला वाह मज़ा आ गया। फिर पिकर नंबर्स खरीदा, फिर माइनिंग शाइनिंग करने लगा क्योंकि माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। हमको हमारा हॉट टीम लेवल 3 करना था, जहाँ से हम लोग जेम्स्टोन एरिया पे जा सके, तो थोड़ा सा मैंने हॉट टीम ग्राइंड किया। फिर इधर मेरा जो मतलब मेरा माइनिंग लेवल था वो बढ़ गए थे। फाइनली जूप वाले बंदे आए, कुछ जूप पेट सेल करना था मुझे ले ही लेना था, तो इधर मैंने सेलर पे सीधा चला गया सेलर करने, एंड इधर सेलर करने के लिए भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, लिटरली बता रहा हूँ। इतना टाइप के अलग अलग सेलर मैंने किया, बार बार जाओ वाओ, तो बस अजीबो गरीब थे, बट लिटरली 2-3 घंटे तो लग गया होगा सेलर आने जाने में ही, बट कोई ना, हम लोग फाइनली स्पाइडर वगैरह को मार के हम लोग सीधा चले गए थे उल्फ सेलर करने। तो उल्फ सेलर करते करते यार ये उल्फ बहुत ही हार्ड था, बट कोई ना यार, हम लोग धीरे धीरे इनको मारे गाइस, क्योंकि उल्फ इतना ज़्यादा नॉक बैक एंड ट्रू डिफेंस से अटैक करते हैं ना, ट्रू अटैक, तो हमको डैमेज पड़ रहा था अच्छा खासा। तो मैंने बोला ठीक है यार, हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरीके से मतलब ठीक है मैनेज कर लेंगे कैसे मारना है, तो वही मैं मतलब सोच रहा था कि इसको मारना कैसे। तो जितने सारे चीज़ें थे हम लोग, क्योंकि मेन मुझे ना उल्फ सेलर लेवल 3 करना था मैडॉक्स फोन के लिए, फिर हमको बार बार वो बंदे के पास जाना नहीं पड़ता। तो ये जो हमारा बॉस था, इसको मैंने जैसे तैसे यार ऐसे वैसे मारा, तो मारने के बाद मैंने सोचा चलो यार गया, एंड फाइनली हमारा जो लेवल बहुत 3 हो चुका था, एंड इसके साथ मुझे मिला था मैडॉक्स फोन, जो जहाँ से मैं भी फ़ोन करके उसको कॉल करके बुला के भैया उसको गाली दे सकता हूँ, मतलब गाली नहीं एक्चुअली उसे सिला ले सकता हूँ। तो इधर गाइस मिनियन वगैरह मैंने कलेक्ट कर रहा था, एंड मिनियंस कलेक्ट करते करते यार बहुत इसमें सुपर कॉम्पैक्टर नहीं था, सबसे बड़ा इशू था मेरा, जो मेरा जो मेन फोकस था वो सुपर कॉम्पैक्टर पे था। तो इधर देखो डंजन खेलते खेलते मैं फिर से डंजन में आ गया था, तो मरते मरते हम लोग इधर बचे। तो इधर गाइस इतने सारे जॉम्बी, देखो जॉम्बी स्केलेटन भाई मेरा पीछे पड़ गया था, मैंने बोला ओए प्लीज यार थोड़ा सा शांत रखो एंड मुझे जाने दो यार। तो इधर बॉस रूम पे आने के बाद मुझे लगा कि चलो यार मैं तो फाड़ दूंगा, लेकिन एक बंदा क्या था नीचे जाके खुद मार दिया, तो कोई ना। तो इधर मुझे 65 क्या कहती प्रॉफिट हुआ था, तो इधर मैंने बुक वगैरह ले लिया, और मैंने ना गाइस एक चीज़ बताओ, बुक सेल करना भूल गया था यार, ओके बट कोई ना यार, सो यही चलता है। और कोई ना, तो फ्री चेस वगैरह भी ले लेते हैं कभी कभार, 2-3 मैच खेलते तो हो जाता है। फिर से मिनियन कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि नॉर्मल मिनियंस क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं नॉर्मल, क्योंकि इंचेंटेड नहीं बना पाते ना, तो फुल हो जाते हैं। तो फिर से गाइस फ्लिपिंग टाइम, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट था, तो हमको बहुत सारे चीज़ें खरीदने थे, बहुत सारे चीज़ें करने थे, तो इसके लिए मैं ना फ्लिप करना स्टार्ट कर दिया था। तो फ्लिप करते करते फिलहाल मेरे पास था 7.6 मिलियन, अभी मुझे लगा चलो यार जेल आउट फिर से फार्म करूंगा, इस बार लक अच्छा हुआ है ना मेरे को आई मिल ही जाएगा, तो मुझे इतना भरोसा था खुद पे कि मैं फिर से आई ले सकता हूँ। तो ऐसे चक्कर में मैं पूरा एरिया पे 2-3 दिन से मैं पूरा लगातार जेल आउट के ऊपर फोकस करके ना जेल आउट मारने लगा। फिर एक टाइम पे ऐसा आया कि मुझे गाइस जेल आउट में से स्पेशल जेल आउट मिल गया यार, तो वो समोनिंग आई यार, मुझे नसीब में आया था एक ही, और ये भी वीडियो भी मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा था, तो ठीक है कोई ना यार मज़ा आ जाया। तो ऐसे कर करके लगातार मैं फाइट करते करते, तो अभी मुझे फिलहाल एहसास हुआ कि यार चलो बहुत फार्म कर ले बेचते, तो मैंने इधर क्रिस्टल फ्रैग भी डाल दिए थे, एंड उसी के साथ मुझे अभी बाय करना था सुपर कॉम्पैक्टर। तो इधर मैंने फिलहाल 3 सुपर कॉम्पैक्टर को बाय ऑर्डर पे लगाया था, 4.2 मिलियन ऐसा कुछ था, आई थिंक 4 मिलियन, ओके। तो फिर होने के बाद हम लोग अभी फील होने का वेट कर रहे थे, तो फाइनली हमारा सुपर कॉम्पैक्टर वो फील हो गया था।
अभी हमको बनाना था डायमंड स्प्रेडिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि देखो मिनियन डायमंड स्प्रेड नहीं करेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा नहीं, तो उसी चक्कर में हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर रहे थे कि हमको थोड़ा सा हो जाए। फिर मैंने एक बंदे को बुलाया तो उससे हम लोग हमारे डायमंड स्प्रेडिंग बनवाया, क्योंकि मेरा रेसिपी अनलॉक नहीं था और मैं थोड़ा सा आलसी बन गया था, तो उसी चक्कर में तो इससे मैंने डायमंड स्प्रेडिंग बना लिए कुणाल से। और भाई मुझे नहीं पता इसने वापस मेरे को वेंस क्यों दिए थे वापस, बट कोई ना, हम लोग बनाने के बाद और सुपर कॉम्पैक्टर हमने हर एक मिनियंस पे कॉम्पैक्टर एंड डायमंड को रिप्लेस किया, मतलब डायमंड को ऐड किया सुपर कॉम्पैक्टर को रिप्लेस किया नॉर्मल कॉम्पैक्टर से। तो ये करते करते थोड़ा सा टाइम चला गया, बट कोई ना यार, स्टिल हम लोग बहुत ही एनर्जी में थे कि यार चलो ठीक है। तो अभी ना जो टाइम था वो का मिनियन बनाने का, हमने जो स्लॉट है मुझे स्लॉट अनलॉक करना था, तो जितने सारे मिनियन मेरा बाकी थे मैं वैसे टाइप के मिनियन वगैरह बना रहा था, जैसे कि ऑब्सीडियन मिनियन मेरा बाकी था बनाना, तो ऑब्सीडियन वगैरह मिनियन मैंने बनाया। और बहुत से मिनियन ऐसे थे ना मैं बनाना भूल गया था, मतलब बना तो लिया था बट उसको क्रिएट करना, कुछ कुछ मिनियन को भूल गया था, कुछ बनाना भूल गया था, कुछ उसका रेसिपी अनलॉक हुए मुझे पता भी नहीं था। तो ऐसे ही करके थोड़ा सा मिथ्रेल ऑब्सीडियन एंड एंड स्टोन का मिनियन वगैरह बनाया मैंने, अपडेट किया क्योंकि सही था, एंड मेरा सैंड क्रश अनलॉक नहीं था तो मैंने सैंड फार्म करना स्टार्ट किया। मुझे एहसास हुआ कि गाइज मैं ना ग्लास फार्म कर रहा था, जिंदगी में जितने फार्म किए ना मैंने ग्लास ही किए, सैंड कभी नहीं किए, तो सैंड का मिनियन मेरा लॉक ही नहीं था। तो सैंड फार्म किए, सैंड का मिनियन लॉक किए, फिर सैंड का मिनियन अपडेट किए, बहुत कुछ किए, फिर फाइनली एक स्लॉट अनलॉक हुए तो मेरे इधर मेरा मिनियन लगा दिया हमारे क्यूटी एले मिनियन। तो सब कुछ फिक्स था, अभी सुपर कंप्यूटर और लेक खरीद के लेके आते तो इधर मैं प्लेस कर दिया। तो कुछ ऐसा दिख रहा था हमारा मिनियन के घर, और इधर जेरी इवेंट चल रहा था, मैंने सोचा चलो यार जेरी इवेंट अभी ना पार्टिसिपेट करते। तो फिलहाल क्या हुआ ना, जेरी का मैं बॉक्स ढूंढते ढूंढते मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मुझे लास्ट वाला बॉक्स मिल ही नहीं रहा था, मैंने इतना ज़्यादा ढूंढा ना गाइस, फिर मुझे ना भरोसा टूट गया मेरा, बोला भाई मेरे से ना हो रहा, बहुत मैंने ढूंढ लिया। तो ऐसे करके मैं लॉबी में चला गया, लॉबी में मुझे एक बंदा मिला जो मुझे गिफ्ट दे रहा था, मैं मतलब मेरा जो 19 गिफ्ट था मैंने उसको उसके साथ खोला, फिर बंदे ने ना मेरे को गिफ्ट देते गया। और इसके साथ हुआ क्या पता है, मुझे सोनू मिनियन पे सोनू मिनियन मिलते गया, तो ऑलमोस्ट इधर मेरे पास बहुत सारे सोनू मिनियन हो गए थे। देखो इसमें मुझे ऑलमोस्ट इधर और ग्रीन गिफ्ट वगैरह बहुत सारे गिफ्ट मैंने इधर खोले, और मुझे अच्छा खासा मेरा एक्सपी भी बढ़ गया था, उसको क्या बोलते हैं एल्केमी एक्सपी मेरा अच्छा खासा बढ़ गया था। तो इधर फिलहाल मेरे पास 2 सोनू मिनियन थे, तो मैंने बोला वाओ अभी तो मज़ा आएगा, अभी मैं क्ले मिनियन को हटा के सोनू मिनियन लगा सकते थे, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा हलचल कर रहा था, मैंने बोला सही है चलो। तो यही करते करते हम लोग सोनू मिनियन वगैरह गिफ्ट खोलते खोलते थोड़ा सा ऑल टाइम हम लोग इधर एक्सपेंड मतलब वेस्ट किए, बट कोई ना, मुझे लगा सही है यार, हम लोग थोड़ा सा इधर घूमते फिरते रहे हमको कुछ मिल जाएगा। फिर फाइनली मुझे 4 मिनियन मिल गया मतलब गिफ्ट खोल के, तो मैंने बोला वाओ अभी तो मज़ा आएगा। तो अभी टाइम था कि मिनियन अपग्रेड करने के लिए, तो ये गाइस सबसे बेकार प्रोसेस होते हैं मिनियन अपग्रेड करना, क्योंकि पता है ना मिनियन बहुत ही पेचीदा होता है अपग्रेड करना। तो बट कोई ना, हम लोग ऐसे ही लगातार मिनियन को अपडेट करते गए, सबको 5 लेवल करना था, एक ही टारगेट था सबको 5 लेवल करके रखो। फिर मैंने इंचांटेड सोनो खरीद के मैंने सबको टीयर 11 कर दिया, मैंने बोला वाओ बहुत पैसा वेस्ट किया। फिर अभी सबको मेरा बेस में एक मिनियन था जिसको अपडेट नहीं किया था, उसको मैंने पूरा मैक्स आउट कर दिया, क्योंकि सोनो मिनियन होता है ना गाइस वो थोड़ा सा चीप अपडेट होता है, मैंने बोला ठीक अपडेट कर दो यार, क्या जाते हैं हमारे। तो ये अपडेट करने के बाद जितने सारे सोनू बचे थे मैंने बेच दिया जाके, एंड अभी जो टाइम था वो है मेरा क्ले मिनियन, 4 क्ले मिनियन हटा के 4 सोनू मिनियन लगाना, क्योंकि मेरे पास स्लॉट का कमी बहुत थे। तो मैं नहीं चाहता था कि यार सोनू मिनियन खरीद के यार मतलब सोनू मिनियन जो मिला मैं वेस्ट करूं, क्योंकि सोनू मिनियन माइनिंग एक्सपी बहुत ज़्यादा देता है, तो मुझे माइनिंग एक्सपी चाहिए था, फिशिंग एक्सपी से ज़्यादा मुझे माइनिंग एक्सपी नीडेड था, क्योंकि रिफोर्ज करना है तो खुद का माइनिंग एक्सपी ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं रिप्लेस कर दिया मेरा क्ले मिनियन से के साथ सोनू मिनियन। तो फिर जितने सारे सामान थे मैंने बेचा, 50,000 मिला, मैंने बोला वाह यार पैसा ही पैसा, फिर लगा कि ना पैसा कुछ नहीं है। तो अभी मुझे ना मीडियम स्टोरेज अनलॉक करना था, मुझे क्योंकि ऑक्शन पे मिला नहीं तो मुझे लगातार मतलब मेरा कलेक्शन अनलॉक नहीं था, तो मैं लगातार ओक फार्म किया जिससे हमारा जो कलेक्शन है ना वो अनलॉक हो जाए मीडियम स्टोरेज के। तो ये थोड़ा सा टाइम लग गया, और इसके साथ क्या बताओ गाइस, इसके साथ ना मेरा फॉर्जिंग लेवल अप भी हो चुका था। यस, एक लेवल का फॉर्जिंग लेवल अप भी हो गया था, मैंने बोला वाओ ये भी सही है यार। ओके, तो मीडियम स्टोरेज मेरा लॉक हो गया फाइनली। अब जितने सारे वुड वगैरह थे इस वुड से मेरे को बनाना था मीडियम स्टोरेज। तो कोई ना, जितने सारे बाकी थे ना मतलब इंचेंटेड वुड बाकी मैंने बाय कर लिया बाज़ार से बाय करने के बाद मैंने अभी मुझे देखो कितने सारे हो गए, मेरे 80 चाहिए था टोटल, तो मैं सीधा अभी बेस गया, बेस जाके 10 मीडियम स्टोरेज मैंने बना लिया था। अभी टाइम था कि इनको प्लेस करना,
तो मैंने इसको जैसे प्ले स्टोर कर दिया, अभी मेरे पास बहुत सारे मिनियन लॉक नहीं थे, तो मैंने ग्लोस्टोन मिनियन एंड नेदर क्वार्ट्स फार्म करने आ गया था, मिनियन फार्म करने आ चुका था मैं इधर, क्योंकि कलेक्शन जब तक अनलॉक नहीं होगा ना हम लोग मिनियन बना नहीं सकते। तो लगातार इधर थोड़ा सा टाइम चला गया मेरा इनको फार्म करते करते, क्योंकि इधर बंदे थोड़ा सा परेशान भी कर रहे थे और माइन भी कर रहा था, तो मैं एक साथ दिमाग का दही हो गया मेरे, बट कोई ना, हम लोग स्टिल इसको बहुत अच्छी तरीके से माइन किए, पूरा का पूरा इन्वेंटरी में भर के गया यार इधर से। मैंने बोला लो आज तो इन्वेंटरी भर के जाऊँगा, फिर डंजन फिर से यस, तो फिर से डंजन में खेलने लगे, क्योंकि ना मुझे शैडो असैसिन का चेस्ट प्लेट चाहिए था, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं बाय कर पाऊँ, तो मुझे ग्रैंड करना था 5 फ्लोर 5, तो शैडो असैसिन का चेस्ट प्लेट मैं ग्रैंड कर रहा था। मैंने बोला चलो थोड़ा सा ग्रैंड करके देखते क्या है, तो यस इसलिए हमको इधर इस प्लस नहीं मिल पाया, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि मैं 2 बार मर गया था इधर और सीक्रेट भी सब नहीं हो पाया था, तो कोई ना हम लोग इस किए और इतना भी अच्छा था। तो फाइनली इधर मैंने कुछ 48 मिनट जो मेरा बाकी थे, मैंने 2 तालिस्मिनट खरीद लिया, जगह नहीं था मैंने 40 मिनट रखने के लिए, तो मैंने इसको एक को बाहर ही रख दिया, क्योंकि जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो हम लोगों ने माइन किया था ना नेदर क्वार्ट्स एंड ग्लोस्टोन मिनी ग्लोस्टोन, उसका भी मैंने मिनियन वगैरह बना लिया था, और पोटैटो मिनियन जो मेरे पास पड़ा हुआ था एक लेवल का, मैंने उसको अपग्रेड कर दिया गाइस, क्योंकि मुझे ना एक मिनियन स्लॉट चाहिए था, तो एक मिनियन स्लॉट यानी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तो एक मिनियन स्लॉट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फाइनली हमने जो मिनियन स्लॉट है वो एक अनलॉक कर ही लिया था यार इतना ग्रैंड करने के बाद, तो अभी लगा चलो सही कुछ है, तो इधर क्ले मिनियन में लगा जाए सुपर कॉम्पैक्टर के साथ, ओ हो मज़ा आ गया था मुझे ऐसा लगा। तो बाकी के वुड वगैरह हमने बेच ही दिए, जो मतलब वुड बेचा नहीं था मुझे, एक सुपर खरीदा था, क्योंकि मुझे एक बना था मीडियम स्टोरेज एंड इधर थोड़ा सा एरिया ग्लिच था, तो इसको मैंने ब्लॉक हटा दिया और ये फिक्स हो गया, क्योंकि इस मिनियन का पता नहीं क्या होता है। तो इधर भी मैंने फिर से जिलॉट मारने आया था, और जिलॉट मारते मारते इधर यस जिलॉट में थोड़ा सा टाइम लग गया मेरा, बट मुझे इधर 2 आई मिल गए थे जिलॉट मारते मारते, मैंने बोला चलो भाई लकी दिन है आपके भाई के, तो 2 आई बेच के हमको अच्छा खासा 2 मिलियन तो मिल गए थे, मैंने बोला वाओ, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे तो। और जितने सारे क्रिस्टल फ्लैग वगैरह थे मैंने सेल कर दिया, क्योंकि गाइस क्रिस्टल फ्लैग का प्राइस बढ़े जा रहा था, फिर से टाइम था कि हमारे यस फ्लिपिंग टाइम, जो सबसे इम्पोर्टेंट था पैसा के लिए। तो मैं फ्लिप करते लगा, करते करते मेरा ना बैकपैक का कमी हो रहा था, मैंने कुछ 2-3 बैकपैक खरीद लिए, यस 2-3 बैकपैक मैंने खरीद के मैंने बैकपैक लगा दिया, क्योंकि बैकपैक बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए तभी। तो अभी जो जितने सारे हमारे पास स्थान है, मतलब हमारे लैपिस जो मैंने फ्लिप करने के लिए खरीदा था, अभी मेरे साथ हुआ क्या था, हमारे साथ जो एक्सपी बोतल होता है ना, हमारे पास बोतल ख़त्म हो गया, तो बोतल फार्म करते टाइम चला गया, तो वही था सीन और कुछ नहीं। और फाइनली मेरे पास आ चुका था 9.2 मिलियन, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा, तो फाइनली मुझे और एक स्पेशल स्लॉट मिला, तो मुझे लगा वाओ फिर से स्पेशल स्लॉट, अभी तो मज़ा आएगा, बट सैडली मैं 2 दिन ग्रैंड किया, बट मुझे एक ही आई मिला इस बार, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, बट कोई ना यार सबके साथ लक सेम नहीं होते। बाकी मेरे पास जितने सारे फ्रैगमेंट्स थे क्रिस्टल फ्रैगमेंट बहुत सभी मैंने ऑक्शन पे बेचने के लिए डाल दिए थे, तो अभी मेरे पास था टोटल 10 मिलियन कॉइन, और अभी टाइम था कि कुछ अजीबोगरीब काम करने के लिए। तो फाइनली मेरे को बेबी यति खरीदना था, तो बेबी यति के लिए मेरे पास 18 मिलियन कॉइन कमी पड़ रहा था, तो मैंने इधर डिसाइड किया कि 50% डिफेंस के साथ मैं एपिक वाला बेबी यति लूँगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा है स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि पैसा नहीं था मेरे पास और मुझे ग्रैंड करना था खुद, तो इसी चक्कर में कुछ ऐसा वैसा नहीं किया तो जो मुझे अच्छा नहीं लगे। तो ब्लू वेल बेबी यति के साथ मुझे 150 डिफेंस का देखो ब्लू वेल के साथ कैसे मुझे मतलब 600 एंड बेबी यति का 750, तो बहुत ही अच्छा था। और मेरा जो फ्लोर ऑफ ट्रूथ था मैंने वो बेच दिया 3 मिलियन पे, क्योंकि मुझे 5 स्टार वाला चाहिए था, ये जो 2 स्टार है बहुत ही दिक्कत दे रहा था, तो मैं इसको बेचा। बेचने के बाद मुझे एक अच्छा वाला फ्लोर ऑफ ट्रूथ मिल मतलब लेना था, तो फाइनली मैंने 7.1 मिलियन कॉइन से एक फ्लोर ऑफ ट्रूथ ले लिया 5 स्टार अल्टीमेट वॉइस 3 के साथ। लेकिन इधर हुआ क्या पता है, मेरे पास पैसा भी खत्म हो चुका था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, बट कोई ना यार आखिरकार हमारे जो 200 डेज का सर्वाइव थे तो वो हाई पिक्सल में वो हम लोगों ने कंप्लीट कर मतलब कर दिया था ये हमारे फ्लोर ऑफ ट्रूथ खरीदने के साथ साथ, तो मुझे और खेलने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यार बहुत 200 डेज मैंने लगातार 4 दिन बिना मतलब 12-1-2 बजे तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, और इसका टोटल वीडियो साइज है 200 GB। ओके सो चलिए गाइस इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना एंड भाई बर्थडे बॉय को एक बार विश कर देना। ओके सो गाइस चलिए बाय।